हेलो स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म ए कंपाउंड एस वेरी फेमस क्वेश्चन ए पार्ट बेंजोइक एसिड बी पार्ट सैलिसिलिक एसिड सी पार्ट थैलिक एसिड डी पार्ट एसिटिक एसिड देखिए जब सेलिशिलिक एसिड की रिएक्शन ये स्ट्रक्चर होती है एसिड की बेंजोइक एसिड की ओर पे ओ एच ये स्ट्रक्चर है सेलिशिलिक एसिड की है? अब इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिक एनहाइड्रेट का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड ओ C डबल बॉन्ड CH3 रिएक्शन होती है एसिड की परजन में H+ क्या होता है रिएक्शन में कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देता दे इस कार्बन को क्यों क्योंकि इस कार्बन पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव है जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को देगा तब ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा बॉन्ड तोड़ के ठीक है ऑक्सीजन जुड़ जाएगा सीओ से और ये पूरा का पूरा ग्रुप चला जाएगा अब ऑक्सीजन ने पेर दिया तो ऑक्सीजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन का पॉजिटिव फिर फाइनली हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा मैं सीधा फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं यहाँ तो सीओ एच ऑक्सीजन और इससे जुड़ेगा COCH3 साथ में साइड प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CO O नेगेटिव वो फिर H पॉजिटिव के साथ क्या बना लेगा ठीक H3 COOH तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसी को ही कहते हैं एस्पिरिन क्या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है इसी को ही क्या कहते हैं एस्प्रीन जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई जाती है तब बनता है एसिटाल सैलिसिलिक एसिड एसिटिक एसिड एसिटाल सैलिसिलिक एसिड को ही क्या कहते हैं एस्प्रीन बहुत ही फेमस सवाल है फिर से पूछा जा सकता है ध्यान रखना है क्या होगा आंसर बी पार्ट सैलिसिलिक एसिड ठीक है Thank you.